स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। बुधनी के ओवरब्रिज के पास लगभग 12 लोग ने चाकू से हमला कर दिया, 3 युवक घायल, 1 गंभीर। बुधनी के थाने से 500 मीटर दूरी पर ओवरब्रिज के पास होशंगाबाद रोड पर एक दुकान पर बैठे 3 लोगों पर लगभग 10-12 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका होशंगाबाद नर्मदापुरम अस्पताल में इलाज चल रहा। घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे को हुई। अधिकांश हमलावर होशंगाबाद के बताए जा रहे हैं। घायलों को सिविल अस्पताल बुधनी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक गंभीर असफाक को नर्मदापुरम रेफर कर दिया गया। एक आरोपी नर्मदापुरम निवासी रोहन को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। बुधनी में लगातार मारपीट और चाकू तलवार के हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस का अपराधियों को कोई खौफ नहीं, जो लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जानते हो मेरे को क्या मतलब, आप जान रहे हैं मेरा काम, मैकेनिक का हूँ, मैकेनिक का काम करते हैं। शाम को आए वो 10 लड़कों के पास छुरे थे, जिसमें 2-4 लड़के बुधनी घाट के थे और बाकी लड़के उन्होंने होशंगाबाद से बुलाए थे। बाकी एक लड़का भी पकड़ा चुका है, बाकी 9 लड़कों को अरेस्ट करना जरूरी है। क्यों लड़ाई हुई, क्यों हमला किया उन्होंने? सिर्फ हवा पे थे, अपने पास हवा नहीं है, वो कहला हवा डालो। मैंने कहा हमारे पास है नहीं हवा, हम तो मैकेनिक का काम करते हैं और धुलाई करते हैं। तो कहला आप हमें जानते हो? मैंने कहा हमें क्या करना भाई, जानते हैं हम, हमारे काम से मतलब रखते हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।